हरिओम ऐं हरे राम। स्वागत आहे तव्हां सभिनी जो स्वामी धर्मदास दरबार दिल्लीअ जे ॿुधर जे सत्संग में। चओ सतगुरुनि जी जय, चओ स्वामी धर्मदास साहिबनि जी जय, चओ स्वामी पेसुराम साहब जी जय, चओ स्वामी अटल राम साहब जी जय, चओ सभी संतन महात्माउनि जी जय, अॼु जे आनंद जी जय। As usual, we will begin with Swami Dharamdas Sahib Ji's Vani from the enlarged version of Sadhguru Sikhiya. और आज चा अक्षर की बारी है। चल गए वडे वीर जोधे रावण आदि जो सभी कर पेर नंगे, जिसका नाम अरुकाम जिस देव सावे, देव आदि सभी सृष्ट लोक संगे, जिसका मुख देखे हृदय दहक पड़ दे, बेहोश हो खुदा थी खैर मंगे, धर्मदास ऐसे सभी काल मारे, बैठे बंद तू कूड़ते दावा दंगे। महात्मा फरमाई था तकाल जो चक्कर महाबली आए, जह करे पीर फकीर अमीर वजीर सूरवीर वगैरह पहजे चपेट सा किराए खाक करे छगे, अड़ो को भी बलवान तिनन लोकन में कोने, जो काल जे चंबे खां बचियो होजे, मसलत कर गढ़ कोट गिन्यू मसलहत कोटा तू भने, मसलहत कर हस्ती वस की जन शी फड़े जन करे, मसलहत कर प्रेत चूरन हो जावन पावन पवन दरिया हो बने, होर मसलहत बर होए बहारे, एक मौत ना मसलहत मने, अकल इल्म वारन ए साइस्दानन ए बलवान मनुषन जे उदम ए सालुहन सा जन द्वारा केतरा ई कलम वनी, भोरे जीते सगजन था ए हाथी क्वाशी बसी करे, कन खा पकड़े पहजे मर्जी अनुसार, हलाए चलाए सगजन था ए पर्वत चूरण करे, छटजन था ए दरिया के पुल बराज बिछी, संदस वह करे ते जाबो रखी सगजे तो, पर फकत मौत ही आए जो कहजी भी न थो बुधे, व्यर्थ छड़ियो पर रावण ए हिरण का शाप जहड़ा, कठिन वरन मिलियल सूर वीर जिन तिन्ही लोकन जे राज पिए कहो, तिन के भी काल जे चक्र महीन मच्छर वांगुर पीही छड़िये, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोए, व्यर्थ छड़ियो पर खुद रामचंद्र ए कृष्ण महाराज जेड़ा अवतार से भी समो पाए, इन्हीं चक्र जे प्रताप सा पहजी स्थूल हस्ती मिटाए, निस्ती जे पर्दे अंदर छिप जी गया, ऐड़ा लोक व्या हलिया हिन संसार मा, जिन जे रथ पीतन सा सत ई समुंड थिया, मानुष राकस देवता पंछी बस गया, ब्राह्मण कीन बया स्थिर रहिंदा आदमी, काल रूपी बुढ़ा स्त्री दीन ए रात रूपी जल जे भी पुड़न जे अनंत जीवन रूपी दाना उछलाए, पीही चूरन करे छड़िया, न जोगी रहिया न जती, न कामी रहिया न सती, न नारी रहियो न पति, आखिर सबनी राह रवानी बरती, केती राणे राजे राव पलंगो हेठ न नींदे पाओ, पीरे हीरा लाल जड़ाओ सबनी कीते मौत फनाओ, जिना जपिया नहीं मुरारी वेंदे जीती बाजी हारी, केड़ा व्या गुरु नानक आदिक डह अतार, केड़ा व्या रुस्तम साम शिवाजी ए रंजीत सिंह आदि सूरवीर ए भीम ए अर्जुन पारा सत ए हलंदक जोधा, केड़ा व्या हातिम ए राजा वीर जहड़ा परोपकारी ए, केड़ा व्या लुकमान ए अफलातून जेड़ा हाजिम हकीम जिन पहची बुद्धिय जे बल सा खुद मौत सा भी मुकाबलो कयो हो, पीर पैगंबर राजा राणा छोड़ जमीन जम संग सिघाना, अंत थिया वनी खाक मसाना, क्या मेरो क्या तेरो। और ये स्वामी धर्मदास साहब की खूबसूरत कलाम है हित चरण। कंस ए जरासंध आदिक बलवान राकस जिन जे नाले बुधन सा सजी सृष्टिय जा प्राणधारी, जीव ए आकाशवासी देवता भी डकी थे गया से सब खाक थी गया, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कह नानक थे कछु नहीं सुपने जिये संसार, हे मित्र
जेड़े एड़ियां महाप्रतापी पुरुष भी हिन कराल काल जे अज्ञा बिन बिहीन सगिया तड़े तू छा ते बावर करे रहिया आही कचे करे कूच बिया सभी संसार मूं पीर पैगंबर ओलिया जिन पहंजा पंत कया ज्ञानी ध्यानी गृहस्थी सामी पंत पिया सभे गायक थिया तो छा समझियो पाण खे थिया समय सिकंदर दारा जिन जोड़ियां तक थजारा वाह वाह वजाए बारा सब खान छड़े बिया खानी हित नबी वली लखाया जे अरब आजम नित गाया से घोट अजल सब धाया से सूर सब सुल्तानी सुजान थियो अख खोल जिन जिन माओ के तोखे जड़ियो निपायो पुडायो उहे भी अदम जे दरिया में गर्क थी बिया सपोई तू छाते भरोसे रखी बेपरवाह थो रही फरीदा पियो चलिया दादा चलिया तू भी चलने हार पाछे जो रह गए लड़के तिना भी लड़ना भा हे सजन अख खोल मथा इन्हीं अलूट में सुते ही ओचतो मथी अची मथा काल कड़के ऐं पोई अफसोस सा हथ मटींदे रुअंदो वनी तहाए किन कायम जो हिन बेल कम अचे कयम नसार सही देही दब पाए करे नाना लोभ लहर में व्यो जीव बही सामी संगी को न थियो चोटी काल गही जहड़ी मुंह कई तहड़ी अंधो भी ना करे। और ये व्याख्या थी स्वामी अटल राम साहब द्वारा स्वामी धर्मदास साहब के चल गए बड़े वीर जोधे। और इसका हिंदी और सिंधी में अनुवाद है। पहले सिंधी, काल कहके न थो छड़े वड़ा वीर योद्धा रावण आदि भी शरीर छड़े कर काल जे वस में नंगे पैर ए खाली हथे हलिया गया तह करे प्रभु नाम सिमरण ए प्रभु सेवा जो जस कमाए करे सबनी श्रेष्ठ आत्मा उन्हें देवी देवताओं सामिल काल जो मुख डिसी या नालो बुद्धि दिली दहक जी वेंदी आहे ए परमात्मा सां सलामती गुरबी आहे स्वामी धर्मदास जन तह करे चवन था त जड़े भी तड़े भी अन्या तू पूरी दुनिया जे दावन ए फसादन में लिप्त थी बैठो आही काल किसी को नहीं छोड़ता। हिंदी में अर्थ है सरल अर्थ वाली पुस्तिका से बड़े वीर योद्धा रावण आदि भी शरीर छोड़कर काल के वश में नंगे पैर और खाली हाथ चले गए इसलिए प्रभु स्मरण और जीव सेवा का यश कमाकर सभी श्रेष्ठ लोगों और देवी देवताओं आदि के साथ जुड़ो काल का मुंह देखने या नाम सुनने से ही दिल धड़क जाता है और तब हम परमात्मा से उनसे बचने की प्रार्थना करते हैं इसलिए स्वामी धर्मदास जी कहते हैं फिर क्यों इस झूठी दुनिया के व्यर्थ उलझनों में लिप्त होकर बैठे हो। इंग्लिश वाला मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है फॉर अवर भक्ति संगीत। और शाहनवाज जी ने इसी पद को स्वरबद्ध किया है आइए सुनते हैं उनसे चल गए बड़े वीर जोधे। जो लोग गाना चाह रहे हैं वो पेज नंबर 28 ऑफ धर्म ज्ञान विलास द ब्लू बुक नीली किताब जो है नीली पुस्तिका आइए शाहनवाज जी।